हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। इन दिनों पूरे मनोरंजन जगत में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी की सबसे ज्यादा चर्चा है, और हो भी क्यों ना, दोनों बी टाउन की सबसे खूबसूरत और चर्चित जोड़ियों में से एक जो हैं। गुरुवार रात को रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने शादी की जो तस्वीरें शेयर की थी वो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। दीपिका और रणवीर के लुक्स पर लोग चर्चा कर रहे हैं और उनकी खूबसूरत फोटोज पर कॉमेंट भी कर रहे हैं। दीपवीर की शादी को लेकर खबरों की डिमांड जोरों पर है। लोग इस फिल्म जगत की शादी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। आज हम आपको दीपिका और रणवीर सिंह की शानदार शादी से जुड़ी एक रस्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे शगुन की थाली के नाम से जाना जाता है। ये कोंकणी शादी के दौरान होने वाली एक रस्म होती है। हिंदू धर्म में कई जगहों पर दुल्हन को कई सामानों से भरी एक थाली दी जाती है, जो इस बात का प्रतीक होती है कि अब महिला शादीशुदा हो गई है। इस थाली में एक लाल साड़ी, जो शादीशुदा महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण रंग होता है, हल्दी, कुमकुम और अक्षत महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। इसके अलावा थाली में फूल भी रखे जाते हैं। फूलों में इस थाली में गुलाब भी रखे जाते हैं, और रिपोर्ट्स के अनुसार दीपिका की शादी की प्लेट में सफेद रंग के गुलाब रखे थे। गुलाबों के अलावा प्लेट में महक के लिए गुलाब जल भी छिड़क दिया जाता है। वैसे कई लोग दीपिका को थाली में मिली लाल साड़ी में भी देखना चाहते हैं। फैंस दीपिका को पारंपरिक ड्रेस में कई बार फिल्मों के दौरान देख चुके हैं और वो इन कपड़ों में बेहद खूबसूरत नजर आती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।